हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीकों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 3 का प्रश्नवली 3। ये दूसरी वीडियो है, भाग 2 है। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। पिछले वीडियो पे एक कमेंट आया मनीष पटेल का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं वीडियो देखने के लिए। तो आपको ये वीडियो समर्पित है क्योंकि आपने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसे आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं। बोल रहे हैं दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है बोल रहे हैं। तो वे संख्या ज्ञात करने हम लोग को, दो क्रमागत संख्या बोले हैं तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पता नहीं है वो संख्या कौन कौन सा है। तो हम लोग मान लेते हैं, हल देख लेते हैं इसका। तो माना कि पहला संख्या, दो संख्या बोले जिसमें से पहला संख्या मैं एक से मान लेता हूं, और क्रमागत बोल रहे हैं अगर इसका मान एक से है तो उसका मान क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वन होना चाहिए। दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस वन, क्योंकि क्रमागत बोले इसलिए अगर इसका 5 आता है तो इसका 6 होना चाहिए, है ना, इसलिए यहाँ पर रखे हैं x प्लस वन। क्लियर है आप लोग को? अब देखते हैं प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है। हम लोग तो मानने वाला मान लिए दो संख्या। अब आगे बोल रहा है कि वर्गों का योग, ये दोनों संख्याओं का वर्गों का योग 85 बोल रहा है। तब लिखना है हम लोग को प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का योग करना है। x का वर्ग हो गया पहला संख्या का वर्ग, दूसरा संख्या दिया है x प्लस वन का वर्ग बराबर 85। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 85 होना चाहिए। कल अगर आप लोग इतना समझ लिए हो तो समझो आप लोग का आधा काम कंप्लीट हो गया, है ना। चलो देखते हैं आगे, इसको हल करते हैं। तो x का वर्ग प्लस, देखो यहां पर a प्लस b पूरे का वर्ग है, ए प्लस बी पूरे का वर्ग फॉर्मूला में है, तो एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग मतलब एक का वर्ग करना पड़ेगा प्लस 2ab, तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? बराबर 85 है तो 85। फिर आगे इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्स का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग प्लस एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होगा, प्लस 2x बराबर 85। अब जो जो जोड़ता है उसको जोड़ देते हैं, घटता है उसको घटा देते हैं। तो देखो x का वर्ग और x का वर्ग आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1। और क्या करते हैं इसी स्टेप पे हम लोग, जो 85 राइट हैंड साइड में है उसको मैं इधर ले आता हूँ, पक्षांतर करके इधर लाएंगे इस साइड, तो ऋण 85 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब वो घट जाए, घटा देते उसको, एक का वर्ग प्लस 2x प्लस माइनस में आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में, और 85 में एक जाएगा तो हो जाएगा 84 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें से, सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, इसमें भी 2, इसमें से भी, इसमें से। तो यहाँ बचेगा x का वर्ग प्लस, यहाँ 2x है, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x माइनस, और इसमें से बचेगा 4 × 2 = 42 बराबर 0, क्योंकि फिर से इसका अंदर गुणा करूँगा तो 84 हो जाएगा ना। ठीक, आगे देखते हैं इसमें अगर हम लोग 2 का पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, 0 के बटा में जाएगा, x का वर्ग प्लस x माइनस 42 बराबर 0/2 हो जाएगा। और किसी भी संख्या के बटा में अगर 0 होता है, किसी भी संख्या के बटा में 0 होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहां तक आप लोग को कर लेना है अच्छे से। अब देखो ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। अब हम लोगों को इसको किसी भी एक विधि से हल कर लेना है, जैसे कि मध्य पद को तोड़ने वाला सीख लिए हो आप लोग, पूर्ण वर्ग विधि सीख लिए हो, साथ ही साथ यदि आप आगे का वीडियोस भी देख चुके हो तो श्रीधराचार्य विधि भी देख चुके होंगे। तो ये तीनों विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। बट अगर हम लोग वर्ग विधि से गए, पूर्ण वर्ग विधि से, तो इतना ही लंबा और बनेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। और श्रीधराचार्य विधि से जाएंगे तब भी उतना ही लंबा जाएगा। अगर हम लोग के पास टाइम कम है तो हम लोग शॉर्ट में किस
किस विधि से बना सकते हैं, मध्य पथ को तोड़ने वाली विधि से। हम लोग का लास्ट दिया हुआ है x का वर्ग प्लस x माइनस 42 बराबर जीरो दिया है। अगर इसको हम लोग मध्य पथ के तोड़ने वाले से बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले का पहले के साथ गुणा करते हैं। यही है ना ट्रिक, आप लोग देख चुके होंगे वीडियोस। 42 से कम 42, तो गुणा करने से 42 आना चाहिए और जोड़ने और या घटाने से एक आना चाहिए, ऐसे दो नंबर हम लोग को लेना है। क्या सही सुने हो ना आप लोग, ये कि उस दो नंबर ऐसे सोचना है, लेना है हम लोग को, जिसका गुणा करेंगे तो 42 आ जाना चाहिए और उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, जोड़े सकते हैं या घटा सकते हैं, तब उसका आंसर एक आना चाहिए। तब हम लोग लिख सकते हैं 7 × 42, 7 × 42 होते हैं 7 और 6 लेंगे हम लोग दो नंबर और उसको घटाएंगे तो 7 × 6 = 1 बाकी रहेगा, करेक्ट है। लिखते हैं इसको एक्स का वर्ग प्लस 7 × 6 x है तो x माइनस 42 बराबर जीरो, इस तरीका से हो जाएगा ये। अब x का वर्ग प्लस इस x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 6 − 42 बराबर जीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है आप लोग जानते हैं, इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन। इन दोनों साइड से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, पहला जोड़ी से x, क्योंकि दोनों साइड सिर्फ x दिख रहा है हम लोग को, बचेगा अंदर क्या x प्लस 7 और यह माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों नंबर में से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं कि वहाँ x प्लस 7 बचे, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा 6, क्योंकि सिर्फ यहाँ x बचना चाहिए, तो जितना भी नंबर है उसको निकालना पड़ेगा। तब यहाँ बचेगा x और अंदर प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 7 × 42 बराबर जीरो। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस ब्रैकेट को ही बाहर निकाल देंगे, तो x प्लस 7 और अंदर में बचेगा x माइनस 6, क्योंकि ये ब्रैकेट बाहर हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ x और यहाँ से ये ब्रैकेट बाहर है तो सिर्फ माइनस 6 बचेगा बराबर जीरो। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करना है, एक बार x प्लस 7 बराबर जीरो लिखेंगे और एक बार x माइनस 6 बराबर जीरो लिखेंगे, क्योंकि दोनों गुणा में है तो दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7 और यहाँ अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना है तो 6 को पक्षांतर करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। ये है हम लोग का आंसर। अगर देखो हम लोग का संख्या अगर 6 लेते हैं, हम लोग का पहला संख्या अगर 6 लेते हैं, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 7। अतः पहला संख्या 6 व दूसरी संख्या 7 होगा। क्लियर है? या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः वह संख्या 6 व 7 होगा। क्लियर है आप लोग को? अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं आपकी बुक से, प्रश्न नंबर 4, जिसे आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी सेम बनेगा, दो संख्या बोल दिए तो हम लोग को वही स्टेप फिर करना पड़ेगा। इसका हल देखते हैं। माना कि पहला संख्या x, इसमें क्या बोले हैं, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, इसमें क्रमागत बोले तो सेम टू सेम वैसी लेना पड़ेगा। दूसरा संख्या x प्लस 1, ठीक है, पहला संख्या और दूसरा संख्या मान लिए। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं उसको प्रश्न अनुसार करेंगे, प्रश्न अनुसार हो जाएगा। प्रश्न में बोल रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो हो जाएगा 20। दोनों संख्या का गुणनफल मतलब x का और x प्लस 1 का गुणनफल है 20 बोल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 है बोल दिए। चलो इसको देखते हैं इसका हल कैसे होगा। इस क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग का अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो x और x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2, प्लस है तो प्लस, फिर इसी x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो x एकम x बराबर 20। क्लियर है आप लोग को? फिर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबको एक साइड ले लेते हैं, x का वर्ग प्लस x, 20 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा बराबर जीरो।
अब देखो एक यह एक द्विघात समीकरण बन गया, एक वर्ग समीकरण बन गया, इसको हम लोग को अब हल करना है। तो ज्यादा बेटर रहेगा इसको मध्य पद तोड़ने वाले विधि से हल करें। क्या किए थे पिछले क्वेश्चन में, जैसे किए थे लास्ट वाले के पहले के साथ गुणा करूंगा तो 20 से कम, यहां कुछ नहीं है मतलब एक है ना, तो यहां 20 से कम 20 हो गया। अब उसको जोड़ने से या घटाने से एक आना चाहिए, क्योंकि यहां कुछ नहीं है मतलब एक है यहां भी है ना। दो नंबर ऐसे सोचो आप लोग जिसको गुणा करने से 20 आ जाए और उसको जोड़ने या घटाने से एक आना चाहिए। तो दो नंबर कौन सा हो सकता है, चार और पांच, या इसको ऐसे लिख सकते हैं पांच और चार, क्योंकि पांच चौबीस, पांच में चार जाएगा तो चार घटा देंगे तो बचेगा एक। क्लियर है आप लोग को, ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस पांच माइनस चार एक्स माइनस बीस बराबर जीरो। क्लियर है, इस तरीके से लिख लेना है, एक्स का वर्ग प्लस अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा पांच एक्स ऋण चार एक्स ऋण बीस बराबर जीरो। फिर जैसे उसमें किए थे सिमिलरली इसमें भी करते, ये जोड़ी बना लिया और इसमें से क्या निकालना है हम लोग को, कॉमन निकालना है। तो दोनों साइड से क्या आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड सिर्फ हम लोग को एक्स दिख रहा है। तो यहां से क्या बचेगा, एक्स बचेगा क्योंकि यहां पर दो ठो एक्स था, दो एक्स है ना, तो एक एक्स बाहर हुआ तो एक एक्स बाकी रहेगा, प्लस है तो प्लस, यहां से पांच एक्स है और एक्स बाहर निकाल दिए कॉमन हम लोग, तो यहां पर बचेगा सिर्फ पांच, फिर यहां माइनस है तो माइनस, और यहां से हम लोग को चार निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां एक्स बचना चाहिए इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। तो एक्स माइनस हो जाए, एक्स प्लस हो जाएगा पांच बराबर जीरो, पहला निकालना बस हो रहा था, फिर दूसरा में तो सेम टू सेम आना चाहिए, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं इसको एज अ ट्रिक। फिर क्या किए थे हम लोग, इस ब्रैकेट को ही कॉमन निकाले थे, अभी भी निकाल लो एक्स प्लस पाँच, और बचेगा क्या, एक ब्रैकेट बाहर हो गया तो सिर्फ यहाँ पर एक्स बचेगा, माइनस इस साइड से ये ब्रैकेट बाहर हुआ तो क्या बचेगा रीड चार बराबर जीरो। अब हम लोग क्या किए थे उस वाले क्वेश्चन में, एक्स प्लस ऐसा है भी हम लोग के पास x प्लस और x माइनस चार बराबर जीरो, तब दोनों बराबर जीरो लिए थे ना, अभी भी लिख सकते हैं x प्लस पाँच बराबर जीरो और एक बार x माइनस चार बराबर जीरो। x का मान निकालना है तो इस पाँच को उस साइड भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो वो हो जाएगा माइनस पाँच, और इधर x का मान निकालना है तो चार को भेजेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा चार, क्योंकि इस साइड में माइनस और उस साइड में जाएगा तो प्लस चार हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां कौन से नंबर को हम लोग को आंसर में लेना है, प्लस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। अतः पहला संख्या चार व दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, पहला x डायरेक्ट और इसमें x प्लस वन मतलब चार प्लस एक, तो दूसरा संख्या पांच होगा। क्लियर है, इस तरीका से आप लोग को लिख लेना इसको भी। इसी तरह आप लोग का क्वेश्चन नंबर पाँच और क्वेश्चन नंबर छः भी सेम टू सेम बनेगा, आप लोग को सिमिलरली बना लेना है। और इसके आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन, जो कि आप लोग का नाइन और टेन आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के रख सकते हो, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन को देख लेते हैं। सबसे पहले नाइन को देखते हैं, जैसे आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। अब उसका वर्तमान आयु कितना है नहीं पता, बट बोल दिए प्रश्न में कि दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना है, उसको दोनों के वर्तमान आयु को उसके एक व्यक्ति और उसके पुत्र के वर्तमान आयु को अगर जोड़ेंगे ना तो उसका योग कितना होगा, 45 होगा बोल रहा है। पांच वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का चार गुना था, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका हल। माना कि किसका पहले मानना पड़ेगा हम लोग को, उसका पुत्र का मानना पड़ेगा तभी तो उसको हल कर पाएंगे ना। माना कि पुत्र की आयु, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बोल सकते हैं एक्स है, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, एक्स है। तब देखो व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, देखो दोनों के आयु का योग कितना है बोल रहा है, 45 साल है दोनों को जोड़ देने से,
अगर दोनों का योग 45 साल है तो उसका पुत्र का मेरे को पता चल गया कि एक्स है, तब टोटल में मैं क्या कर दूंगा, एक्स को घटा दूंगा, तो उसके जो बचा रहेगा वो उसके व्यक्ति की आयु होगा। तो टोटल 45 साल है, इसमें मैं उसके पुत्र का घटा देता हूँ, ये उसके पुत्र का घटा दिया 45 माइनस 1, तो जितना इसमें बचेगा 45 में 1 घट जाएगा, तो वो उस व्यक्ति की आयु होगा। तो इस तरीका से आप लोग को कर लेना है। आया ना ये समझ? क्योंकि इस प्रश्न में इसी को बस समझना है, दोनों की आयु का योग 45 साल है, इसलिए मैं टोटल में उसके बेटे का आयु को, उसके पुत्र की आयु को घटा दिया। ठीक है, इतना कर लेना है आप लोग को। फिर आगे देखते हैं, प्रश्न में बोले हैं कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु के 4 गुना था, और क्या हो जाएगा, और व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु क्या हो जाए, अभी व्यक्ति की आयु कितना है 45 ऋण x, इसमें 5 साल और कम कर देना, तो ये हो जाएगा 45 में 5 घट जाएगा तो 40 ऋण x, अभी 5 साल पहले उसका आयु कितना हो जाएगा, 40 ऋण x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि उस व्यक्ति का जो आयु है, ठीक है, मतलब उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, बोल रहा है व्यक्ति की आयु का 4 गुना। दोनों का गुणनफल ले लेते हैं, x माइनस 5 और 40 ऋण 5, दोनों के गुणनफल जो है व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु कितना है, व्यक्ति की आयु को हम लोग को पता है कि अभी कितना है 40 ऋण x, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 4 गुना, व्यक्ति की आयु का 4 गुना, दोनों की आयु का गुणनफल व्यक्ति की आयु का 4 गुना हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखे हैं। ठीक है, इसमें ना इस टाइप के प्रश्न में सिर्फ ये जो लिखे रहते हैं ना, वर्ड समझना बहुत जरूरी होता है। अगर वर्ड को आप लोग समझ गए, सब क्वेश्चन के भाव को समझ गए, तो फिर आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। अब इसको हल करना है हम लोग को, तो कैसे कर सकते हैं, यहां से देखो, 40, ये 40 ऋण x और 40 ऋण x दोनों कैंसिल हो जाएगा, गुणा में है तो, है ना, बचेगा क्या, x माइनस 5 बराबर 4। अगर x का मान निकालना है तो हमें भेजना पड़ेगा उसको 5 को, तो 4 प्लस 5 हो जाएगा, तो x बराबर 9। इस तरह हम लोग का x का वैल्यू निकल गया, मतलब उसके पुत्र के आयु निकल गए, अतः पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष तथा व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, व्यक्ति की वर्तमान आयु को 45 माइनस 1 समान है, मतलब 45 ऋण 9 करना पड़ेगा। अब 45 में अगर हम लोग 9 घटा देंगे तो हो जाएगा वो 36 वर्ष। ये है आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग को कर लेना है, बहुत ही छोटा है, देखो ना इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बट उसमें लिखने वाला को आप लोग को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीकों से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल, 5 साल पहले का आयु और 8 साल पहले का आयु का गुणनफल 40 है, नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन शायद किसी ईयर में आया होगा, या आया है, कंफर्म नहीं है कौन सी ईयर में आया है, बट ये आया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से करना है आप लोग को। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, प्रश्न को एक बार और देख लो, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व की आयु बोल रहा है, तो पहले तो उसका वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा ना। माना कि वर्तमान आयु एक्स, ठीक है, एक्स मान लिए, तब 5 वर्ष पूर्व की आयु कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5, एवं 8 वर्ष पूर्व की आयु निकालना है, आठ वर्ष पूर्व की आयु कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 8 हो जाएगा, होगा ना, वर्तमान आयु एक समान लिए और 5 वर्ष पूर्व बोले इसलिए एक माइनस 5, और 8 वर्ष पूर्व बोले इसलिए एक माइनस 8 हो गया। अब प्रश्नानुसार हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या बोले हैं, प्रश्नानुसार
दोनों की आयु का गुणा, मतलब प्रश्न अनुसार ये बोल रहा है कि जो दो 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल, मतलब एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 8 का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 45 पीयर, मतलब दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 40 साल। इसको हम लोग का उसका वर्तमान आयु निकालना है, मतलब एक्स का मान निकालना है इसको हल करके। तब क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। अब इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, डायरेक्ट इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो पूरे कोष्टक का x के साथ गुणा करेंगे। गुणा वाला मैं सिखा चुका हूँ आप लोग को, x माइनस 8 होगा, क्लियर है। माइनस है तो माइनस, फिर 5 के साथ पूरे कोष्टक का गुणा होगा, x माइनस 8 बराबर 40। जो लोग पहले देख रहे हैं वो देख लो, पूरे कोष्टक का मैं x के साथ गुणा कर दिया हूँ, फिर माइनस है तो माइनस, और पूरे कोष्टक का फिर 5 के साथ गुणा किया हूँ, क्लियर है आप लोग को। फिर इसका अंदर गुणा कर दो, x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 माइनस x का 8 के साथ होगा तो 8x, फिर माइनस है तो माइनस, 5 का x के साथ गुणा होगा तो 5x, और बाहर में माइनस इसलिए अंदर में प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो साइन है चिन्ह है वो बलत जाता है। तो 5 8 40 बराबर 40 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, घट रहा है उसको घटा देते हैं। ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 8x और 5x दोनों के सामने समान चिन्ह है, मतलब ये जुड़ जाएगा 13x, और प्लस 40। उस 40 को इधर लाएंगे तो माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको देखो, x का वर्ग प्लस माइनस 13x और 40 और 40 आपस में घट जाएगा, क्योंकि एक के सामने प्लस है और एक के सामने माइनस है, तो सिर्फ इतना होगा। और इसका आगे देखते हैं, ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 13x बराबर 0, ऐसा है। अब यहाँ से देखो, दोनों में से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x बचेगा क्या, यहाँ पर x माइनस 13 बचेगा बराबर 0, तो x बराबर एक बार तो 0 होगा, तो वो संख्या 0 साल तो नहीं हो सकता उस नीलमणी का उम्र। तो अगला देखते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13, अतः हो जाएगा यहाँ नीलमणि की वर्तमान आयु 13 वर्ष होगी, क्लियर है। इस तरीका से आप लोग को लिख लेना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोग को वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और कमेंट करें ताकि आप लोग के कमेंट के भी हम लोग जवाब दे पाएँ, और आप जो कमेंट करो, जो क्वेश्चन बोलो, उसका आंसर दे पाएँ। ये वीडियो है समर्पित है मनीष पटेल को, जिन्होंने ये कमेंट किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ मैं आपको और भी क्वेश्चन बताया हूँ जो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।